तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लेके आए क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस टर्म 2, है ना, जो कि आपकी सिविक्स के नाम से आप ज़्यादा जानते होंगे, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस कह लीजिए। तो उसको हम शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया। तो हमारा जो आज का चैप्टर होने वाला है, वो होने वाला है पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि राजनीतिक दल। पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि राजनीतिक दल। ठीक, अगर कोई पूर्णतः हिंदी में चाहता है तो हमारे चैनल, मैंने सिविक्स के नाम से एक डाली हुई है, वहां पर मैंने पूरी हिंदी में समझाया है, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो राजनीतिक दल हम जो है आज शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। इसका जो पहला टॉपिक है, आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज, यानी राजनीतिक दल हम किसे कहेंगे। तो अब पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। यानी कि एक ग्रुप है कुछ लोगों का, जो क्या करते हैं, इलेक्शन के लिए फॉर्म करते हैं, एक समूह बनाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और फिर सत्ता में क्या करते हैं, पावर को होल्ड करते हैं, सत्ता में अपनी शक्ति बनाते हैं। दे एग्री ऑन सेम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट फॉर कलेक्टिव गुड। यानी सभी के अच्छे के लिए क्या करते हैं, ये अग्री करते हैं, ये अग्री होते हैं सेम पॉलिसीज पे। यानी अगर कोई एक पार्टी है तो उसके सभी मेंबरों की पॉलिसी होगी और उनके कुछ प्रोग्राम्स होंगे जो फिक्स होंगे, है ना, सेम होंगे, मतलब सबके एक ही प्रोग्राम होंगे। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन। यानी कि इनके पास जो भी पॉलिसी, जैसे आपने सुना होगा कि सारी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जारी कर दी है, तो क्या कहते हैं कि अब इन्हीं पॉलिसीज को ये चाहेंगे कि ये जनता में इम्प्लीमेंट करें, लागू करें जनता के लिए। उसके लिए क्या करते हैं, इलेक्शन जिससे क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है, जिससे सरकार बनाते हैं। अ पार्टी इज नोन बाय विच पॉलिसीज इट सपोर्ट्स एंड हुज इंटरेस्ट इट्स अपहोल्ड, है ना, कि हर पार्टी का अपना एक वो होता है कि कौन सी पॉलिसी को ये मानती है और किन के हितों के बारे में सोचती है। तो इसी से क्या होता है, सारी पॉलिसीज के बारे में हम जानकारी समझ पाते हैं। सबसे पहले कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यानी राजनीतिक दल के घटक। तो इसमें सबसे पहले आपके लीडर्स, यानी कि नेता कौन है पार्टी के। एक्टिव मेंबर्स यानी सक्रिय सदस्य कौन है, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ अगर कोई चाहे तो, हिंदी में तो सक्रिय सदस्य, ठीक है, अभी एग्जाम्पल समझाऊंगा। और फॉलोअर्स यानी अनुयायी या समर्थक कह लीजिए। तो जैसे हर पार्टी के नहीं होते, जैसे बीजेपी के अगर नेता की बात करें, जो सबसे चरित्र हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, ठीक, नरेंद्र मोदी जी हमारे, तो वो उनके नेता हैं ऐसे। यानी कि जो उनके सारे, जैसे जो उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं या पार्टी के जो किसी क्षेत्र विशेष के, मतलब कि कह लो कि लीडर हैं नेता, तो सक्रिय सदस्य मतलब जो उस पार्टी के अंदर एक्टिवली काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। और फॉलोअर्स मतलब जो हम सारे लोग जो पार्टी को मानते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस, देखिए फंक्शंस का मतलब होता है कार्य, है ना, यानी कार्य, ये फंक्शन मतलब कहीं कोई पार्टी नहीं समझ ले, कार्य। तो क्या क्या करती है पार्टीज। पहली बात, पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन, यानी कि वो चुनाव लड़ते हैं। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड वोटर्स चूज फ्रॉम देम। मतलब कि पार्टीज क्या करती है, बहुत सारे पॉलिसीज देती हैं और बहुत सारे प्रोग्राम देती है जनता के सामने, ताकि वो उन्हें उसे चूज कर सके, उनमें से चुन सके। पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन द मेकिंग लॉस फॉर कंट्री, यानी एक बहुत ही निर्णायक भूमिका, एक जो कह सकते हैं कि आप किसी निर्णय लेने की क्षमता में बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं, जो कि कानून बनाने का कोई निर्णय है, कोई पॉलिसी लाने का निर्णय है, तो मेकिंग लॉस में बहुत ही ज्यादा मजबूत आती हैं पार्टीज। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, यानी कि वो पार्टी क्या करती है, सरकार बनाती है और उसे चलाती है। Those parties that lose in the elections play the role of opposition to the parties in power by voicing different views. आपने सुना होगा views and criticizing government for its failures and wrong policies. अगर किस सरकार में क्या हो कि सरकार जब भी इलेक्शन लड़ते हैं तो आपने सुना होगा सब तो जीतती नहीं है, तो एक पार्टी जो मतलब कि जो हार जाती है वो क्या करती है कि विपक्ष की भूमिका, आपने सुनी कि पक्ष विपक्ष, है ना, तो विपक्ष जो है, तो विपक्ष की भूमिका के लिए ये लोग आगे आते हैं और विपक्ष में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कि जैसे सरकार के कोई कार्य हैं तो उन पे, अगर सरकार किसी काम में फेल हो गई तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, सरकार की जो बेकार की नीतियां उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, ये जो जन जनमत है, जनता का व्यू है या जनता का, जनता जो चाहती है उसके लिए एक शेप देते हैं, उसको एक आकार देते हैं। पार्टीज प्रोवाइड पब्लिक एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट्स। कि जो पार्टीज क्या करती है ना, जनता जो भी सरकार ऐसी कह लो कि जो मशीनरी या वेलफेयर स्कीम, जो कि कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनके माध्यम से पार्टीज क्या करती है, एक सरकार तक पहुंचने का कोई जरिया देती है कि जो भी इस पार्टी के नेता वहां से मिल सकते हैं, ताकि अब जो भी सरकार ऐसी कल्याणकारी योजनाएं ला रही हैं या गवर्नमेंट की कुछ मशीनरी से, उससे कुछ मदद
आपको मिल सकती है जो आपके लिए हित में हो, उसके लिए पार्टीज आपको प्रोवाइड कर। अब आगे देखिए, नेसेसिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, क्यों जरूरी है आखिरकार, वाई? तो ये बहुत ही अच्छा है, इसे पढ़ते हैं एक बार। तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, बिकॉज व्हेन देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। अब वो कह रहे हैं पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि अगर एक भी पार्टी नहीं होगी तो हर नेता क्या होगा, इंडिपेंडेंट, निर्दलीय होगा, स्वतंत्र कह लीजिए। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। जब पार्टियां नहीं होती तो एक आदमी कभी भी कोई बहुत बड़े चेंजेस की बात नहीं करेगा। द गवर्नमेंट में बी फॉर्म बट सुटिलिटी विल रिमेन अनसर्टेन, है ना, क्योंकि एक व्यक्ति, अब पार्टी तो मिल गई बनेगी, बहुमत, अगर मान लीजिए बहुमत नहीं मिला तो सारे आपस में एक एक मिलकर बनाएंगे, तो वो अनसर्टेन रहेगी, अनिश्चित रहेगी कि सरकार रहेगी भी नहीं रहेगी, उसका कोई भरोसा नहीं रहेगा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर वट दे डू इन देयर लोकैलिटी, कि कोई भी लोग जो अपनी लोकैलिटी में क्या काम करते हैं उसके लिए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है विल बी अकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। बट जब अगर कोई, अब कोई रहेगा ही नहीं, अगर कोई रिस्पॉन्सिबल ही ना हो तो कंट्री आप कैसे चलाएंगे ना। तो इसीलिए क्या है, पार्टीज की जरूरत होती है ताकि हम बोल सके कि ये आपका काम था, आपने नहीं किया। अगर कोई निर्दलीय होगा तो आप किस किस को कहां तक बोलोगे, ये वाली बात है। पार्टी सिस्टम्स यानी कि दलों के प्रकार, तो पहली चीज हमें समझनी वो है वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम क्या होगा, अगर किसी देश के अंदर ओनली वन पार्टी, केवल एक ही पार्टी अलाउड हो तो कंट्रोल एंड गवर्नमेंट, है ना। तो अगर कोई पूरे देश में केवल एक पार्टी शासन चलाती है तो उसको बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम, एक दलीय सरकार। तो चाइना में ऐसा होता है, वहां पे ऐसा है। फिर है टू पार्टी सिस्टम, केवल अगर देश में केवल दो पार्टियां हैं जो चुनाव में लड़ सकती हैं, मतलब कि इसमें और भी पार्टियां होती है लेकिन टू पार्टीज के चांस होते हैं मेनली जो सरकार बनाएंगी। तो जैसे इसमें यूएसए और यूनाइटेड किंगडम में आपने सुना होगा कि, जैसे यूएसए में आपने सुना होगा कि भाई डेमोक्रेट और रिपब्लिक नाम से दो पार्टीज हैं, तो ये क्या होता है कि ये हर जगह तो नहीं है ऐसा, है ना। तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी अमेरिका में, तो उसे हम बोलेंगे टू पार्टी सिस्टम, कि वहां पे दो पार्टी सिस्टम चलता है। मल्टी पार्टी सिस्टम क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे बहुदलीय प्रणाली है, ठीक है। अगर बहुदलीय प्रणाली मतलब उसमें आ जाए, बहुदलीय प्रणाली की बात हो, तो क्या ध्यान रखना है कि मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब है कि बहुदलीय प्रणाली, किसी एक देश में बहुत सारी पार्टीज हैं जो चुनाव लड़ेंगी। फिर उसके बाद अलायंस, है ना, अलायंस का, जैसे भारत है, भारत में बहुत सारी पार्टीज लड़ती है ना चुनाव, तो उसी को बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन द विनिंग पार्टी इज कॉल्ड एन अलायंस। जिसने आपने सुना होगा, आपने एक नाम सुना होगा, गठबंधन। गठबंधन का मतलब है अलायंस, कि जब बहुत सारी पार्टीज क्या कर लें, आपस में अलायंस बना लें, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, या यूपीए आपने सुना होगा, तो ये सारे क्या अलायंस है। मल्टी पार्टी सिस्टम गुड और बैड? तो अब देखिए, कभी कभार आपको लगता है कि मल्टी पार्टी सिस्टम की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात है। कैसे इंस्टेबिलिटी की बात है, कि मान लीजिए इस साल ये वाली सरकार, ये वाली पार्टी की सरकार आ गई, गवर्नमेंट आ गई ए पार्टी की। अब मान लीजिए इसने कोई पॉलिसी बनाई, लेकिन अगले साल क्या हुआ, सेकेंड ईयर में गवर्नमेंट आ गई दूसरी पार्टी की, तो अब क्या होगा कि ये इस पॉलिसी को सारी की सारी खारिज कर देंगी। तो इसको बोलते हैं कि अनस्टेबिलिटी रहेगी, कि नहीं सिस्टम अच्छा चल पा रहा है। एट द सेम टाइम द सिस्टम अलाउज अ वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू इंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन एक तरफ तो ये बहुत ज्यादा मैसी है कि यार अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, चीजें चले ना चले, लेकिन दूसरी तरफ यही पार्टी क्या कह रहा है, अगर बहुत सारी पार्टीज हैं तो आपके पास वेराइटी है, कि आप किस, बहुत सारे ओपिनियंस हैं आपके पास जिनको आप अपना रिप्रेजेंटेशन देना चाहोगे, जिनको आप अपना क्या देना चाहोगे, जिनको अपना रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व आप देना चाहोगे। तो ये बात को ध्यान रखना है। आगे देखिए, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी, मतलब कि समझ लीजिए पहले के, पहली बात स्टेट पार्टी का मतलब क्या है, स्टेट में रिकॉग्नाइज पार्टी, ये बेसिकली बात कह रहे हैं कि कौन सी पार्टी को आप स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज करोगे, मान्यता दोगे, मान्यता प्राप्त दल की बात कर रहा है। तो स्टेट में किसको कहेंगे, अगर एक पार्टी 6% ऑफ द टोटल वोट्स, जितने वोट पड़े उसका 6% एंड विंस एटलीस्ट टू सीट्स, किसमें, मतलब कि जो भी इलेक्शन हो लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा के, उसको आप क्या बोलोगे, स्टेट पार्टी। ध्यान रखना 6% वोट ऑफ टोटल, है ना, तो टोटल का 6%, और जो चुनाव है उनमें मिनिमम 2 सीट, अगर ऐसा होता है तो आप एक स्टेट पार्टी के रूप में चुने जाएंगे। नेशनल पार्टी, अगर कोई पार्टी क्या करे एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन यानी लोकसभा चुनाव, अगर आप लोकसभा चुनाव में 6% सीट और 4% 4 सीट्स आप लेके आते हैं, सॉरी 4 सीट्स आप लेके आते हैं और 6% आपको टोटल वोट पड़ता है, मतलब टोटल वोट का 6% आपको पड़ता है,
तो आप क्या कहलाएंगे, नेशनल पार्टी यानी राष्ट्रीय दल को कहा जाएगा। तो यहाँ पे एक नेशनल पार्टीज के बारे में बहुत अच्छा सिंबल है, इसमें एक पार्टी मिस रहेगी, सीपीआई है ना, वो रह गई है पार्टी सीपीआई, जिसका निशान आपको मिलेगा ऐसे करके वो फूल वाली, उसमें देखते हैं। सबसे पहली पार्टी हमारी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डेमोक्रेसी गांधीजम सोशल जस्टिस, ये ध्यान रखना, चिन्ह चिन्ह ध्यान रखें, एक घड़ी इनका। फिर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो पार्टी किस पे बात करती है, सेकुलरिज्म पे, वेलफेयर और वीकर सेक्शन पे और माइनॉरिटीज पे, इनका कल्याण करने की बात करती है, चुनाव चिन्ह ध्यान रखें। और इसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, वन मतलब कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मतलब जो एक अलग से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी में से एक है। फिर आपके पास थर्ड पार्टी बीजेपी, कमल का निशान तो ध्यान रखिएगा, 1980 में बनी थी, ये बात आपको ध्यान रखना। वॉन्ट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया, ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द इंडियाज एंशियंट कल्चर एंड वैल्यू, यानी कि जो भारत की प्राचीन संस्कृति और मान्यताएं हैं, मूल्य हैं, उनसे प्रेरणा लेकर भारत को एक आधुनिक और मजबूत राष्ट्र बनाना इनका ध्येय है, ऑब्जेक्टिव। फिर आपके पास बहुजन समाज पार्टी, इनका काम क्या, सिक्स टू रिप्रेजेंटेटिव जो बहुजन समाज है उसके लिए आगे आना चाहती है, और फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम, जिनकी आपको सुना होगा अभी, मायावती जी जिनकी है ना, अभी लीडर है मायावती जी। फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक, ये इसका निशान है, ध्यान रखिए, सेक्युलरिज्म फेडरलिज्म की बात करती है, वेस्ट बंगाल में काफी एक्टिव है, और लीडर आपको बताइए ममता बनर्जी जी। फिर सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म मार्क्सवाद, लेनिनवाद और सेक्युलर डेमोक्रेसी पे काम करती है, वेरी एक्टिव इन केरला। एक पार्टी इसमें और रह गई है, वो पार्टी का निशान ऐसा आपको मिलेगा और बीच में ऐसे गेहूं की बाली मिलेगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट शब्द से बोलते हैं, वो रह गया है, तो वो आप एक कहीं से मतलब इसी टेबल के नीचे बनाया, मैंने बनाया था वो स्लाइड में आ नहीं पाया, तो उसको आप उसके नीचे एक बार कर लीजिएगा, तो उससे आपका वो हो जाएगा। तो ये हमारा सारे पार्टीज को डिस्कस करें, हर पार्टी का ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिए, ठीक है, और अगर एग्जाम में आप इस तरह से बना के आएंगे तो अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है, मतलब ये निशान तो बनाने की जरूरत नहीं है, आप नाम भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। आगे देखिए, तो मैंने कहा था स्टेट पार्टीज के बारे में, तो स्टेट पार्टी यहाँ पे बहुत सारी है, ठीक है, ये डायग्राम शायद यहाँ पे इतना क्लियर नहीं होगा, बट है स्टेट पार्टी, जैसे इसमें आम आदमी पार्टी है, ये आप देख पा रहे होंगे, तो हर स्टेट में बताया गया कि कौन से स्टेट में कौन सी पार्टी बहुत एक्टिव है। जैसे अगर दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में देखिए, तो दिल्ली में यहाँ पे नाम दिए हुए हैं ना, दिल्ली में आपकी आम आदमी पार्टी काफी एक्टिव है, ऐसी यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ऐसी जम्मू कश्मीर में नाम दिया हुआ है, ठीक है, तो ऐसी ये आपके बुक में ही दिया हुआ है मैप, तो इस मैप में से आपको क्या करना है, इस मैप से आपको क्या करना है, हर स्टेट की जो पार्टीज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर लेनी है, किस स्टेट में कौन सी पार्टीज काफी एक्टिव है, ठीक है। ये डायग्राम मैंने आपके नोट्स में भी प्रोवाइड करा दिया है, तो वहां से आप देख लीजिए, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इस पर ज्यादा समय लगाना वैसे व्यर्थ है। आगे देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सामने क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या समस्याएं होती हैं। पहला, द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी कि जो आंतरिक लोकतंत्र है उसकी समस्या, मतलब कि अंदर पार्टी के अंदर किसको सीट मिले, कौन आगे जाए, सबको ऐसा हो कि किसी का चीजें ना चले, मतलब सबको बराबर चांस मिले पार्टी के अंदर भी। इस अगर मान लीजिए किसी को, जैसे डिफेंस मिनिस्टर है, अब डिफेंस मिनिस्टर बनाना है आपको किसी को, डिफेंस कमिटी, रक्षा मंत्री बनाना है, रक्षा मंत्री बनाने के लिए सबके पास समान अवसर हो, ये लोकतंत्र कहता है, तो ये होना चाहिए कि पार्टी के अंदर इस मिनिस्टर इसको किसको मिल सकता है, ये सारी बातें। सेकेंड चैलेंज इज डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी कि नेपोटिज्म कह लो या भाई विवाद, भतीजे भाई भतीजावाद की बात कह लो, कि अगर कोई नेता है तो अगर ये नहीं होना चाहिए कि अगले साल अब उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, ऐसा नहीं चले, ये एक समस्या है, ये जो भारत में चलता है, तो इसी वजह से समस्या है। द थर्ड चैलेंज अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टी, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन, यानी कि जो मनी की पावर है और जो मसल पावर है, ठीक है, यानी शारीरिक शक्ति और जो पैसा है, इसके बल पर इलेक्शंस में काफी नुकसान देखने को मिलता है, काफी डराना धमकाना लोगों को, पैसे के बल पर फुसलाना, तो ये एक समस्या है। फिर फोर्थ चैलेंज क्या है, इज दैट वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू बी ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर, यानी कि पार्टीज हर बार जो है एक अच्छी, एक अर्थपूर्ण विकल्प नहीं देते हैं कि यार चॉइस क्या है उनके पास अच्छी, तो ये पार्टीज प्रोवाइड नहीं कर पाती, कई बार एक अच्छी चॉइस लोगों को नहीं दे पाती, ये इसमें है। तो चार चैलेंजेस हैं, आपको ध्यान रखना है, सब कुछ आपकी बुक का ही है, ठीक है। तो हाउ मे पार्टीज हो गई, ये नहीं, हाउ पार्टीज बी रिफॉर्म, कैसे उनको, या हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, यहाँ पे लिख लीजिए हाउ मे, या कैन आप लगा ली हाउ मे पार्टीज बी रिफॉर्म।
तो कैसे चेंज लाया जा सकता है? तो पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एमपीज एंड फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। तो इसके लिए हमने काम किया है, आपने सुना होगा एक लॉ के बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ 91 अमेंडमेंट में बात कही गई थी कि अगर कोई चुना हुआ व्यक्ति चयनित होने के बाद, यानी मंत्री बनने के बाद या एमएलए बनने के बाद या एमपी बनने के बाद अगर पार्टी चेंज करता है तो उसकी सदस्यता संसद की खारिज कर दी जाएगी, मतलब है ना उनको रिमूव कर दिया जाएगा संसद से। सेकेंड, द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स इन, मतलब पार्टीज में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है तो उसके तहत आप काम कर सकते हैं। द इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। जो भी उनके पास संपत्ति है उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न पार्टीज भरें। अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के जो इंटरनल यानी कि आंतरिक मामले हैं उनके लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट्स, यानी कि इनके लिए मैंडेटरी कर दिए, बिल्कुल निश्चित कर दीजिए कि इतनी 1/3 जो है यानी 1/3 जो है सीटें वो महिला मतलब कि जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें दी जाए। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, यानी इलेक्शन में क्या हो सरकार पैसे दे अपनी तरफ से। पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है वो जनता क्या बोलते हैं दबाव डाले राजनीतिक दलों पर। पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट टू ज्वाइन इस पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब पार्टीज बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे लेकिन अगर वो लोग आए जो सचमुच ज्वाइन करना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, जो सचमुच देश के लिए काम करना चाहते हैं, देश सेवा के लिए आना चाहते हैं, तो अगर ऐसे लोग आएंगे तब जाके आप चेंज कर पाएंगे। तो ऐसे रिफॉर्म है और ये आप कह भी सकते हैं कि ये सब हमने किया है और ये सारा बाकी ये करना चाहिए, ये हमने किया हुआ है, तो ये सारा इससे भी आप इसको बात कह सकते हैं अपनी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। सो थैंक यू, प्लीज लाइक, ये तो हर बार की बात, शेयर कीजिए प्लीज, सब्सक्राइब कीजिए और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। तो बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। और अंत में एक काम की बात, ये चैनल का नाम ध्यान लीजिए टेलीग्राम पर उत्साह, नीचे लिंक भी डाला होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उत्साह क्लास 11th H। जल्दी से क्या कर लीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप जो है चीज़ों को ठीक से समझ पाए। नोट्स आप मैंने डलवा दिए और ये लाइक कीजिए यार, थोड़ा सा कंटेंट को शेयर कीजिए, अगर आपको सचमुच कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। चलिए तो आप सभी का धन्यवाद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।